CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है भारत की नदियां श्रृंखला के अंतर्गत कार्यक्रम यमुना भाग 2। पिछली बार हमने यमुना के विभिन्न रूपों को जाना समझा और ढलानों से नीचे उतरते हुए हम पहुंच गए थे बरकोट और अब आगे। यमुनोत्री से बरकोट तक यमुना की पतली लेकिन तेज धारा का रूप अब बदल रहा है। नदी के दोनों ओर बस्तियां और जनजीवन दिखाई देने लगा है। यमुना जैसे जैसे आगे बढ़ी जन संस्कृति के नए नए रंग सामने आने लगे। बरकोट से आगे के सफर में यमुना आपको कहां कहां ले जाती है, मेरी डायरी के पन्ने कुछ कह रहे हैं। हाँ, मेरी जल्दी उठने की आदत है। सुबैया को जगाने में मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी। सुबैया, बोलो। उठो उठो उठो, सोने दो ना। ओहो, बहुत देर हो गई सोते सोते, अब उठ जाओ। कस्बे के बीचों बीच एक ही सड़क थी जिस पर हमने दो चक्कर लगाए। चले आओ, घूमने के बाद होटल वापस आए, नाश्ता किया, तैयार हुए। यमुना के साथ साथ हमारा यानी मैं और मेरे साथी सुबैया का सफर फिर शुरू हुआ। अब यमुना के बहाव में स्फूर्ति और तेजी थी। आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। यहां नदी की प्रवृत्ति घटाव वाली थी और ये किनारे और तल काटते काटते एक गहरे खड्ड में बह रही थी। सुबैया, अब हाँ, ऐसे खड्ड को गोर्ज कहते हैं, समझे? गोर्ज? मैं समझे नहीं। देखो, नदी अपनी ऊपरी अवस्था यानी पहाड़ों में बहाव के समय काट छांट अधिक करती रहती है। अच्छा अच्छा, तल व किनारों दोनों को काटती है। दोनों को? कटाव का कारण है बहते हुए पानी में बड़ी चट्टाने, कंकड़, पत्थर और बर्फ। अच्छा, तेज ढाल पर काटने की प्रक्रिया अधिक तेजी से होती है। समझ रहे हो ना? हाँ हाँ, कंकड़ और पत्थर नदी को दोनों ओर से काटते हैं। अरे वाह, इसलिए दोनों किनारे दीवार जैसे बन जाते हैं। अच्छा अच्छा,
यहां यमुना का तल काफी गहरा हो गया था। इसकी आकृति अंग्रेजी के अक्षर यू के आकार की थी। पहाड़ों की ऊपरी अवस्था में यू आकृति की घाटी अधिक बनती है। हम नदी के पुल पर खड़े थे, दोनों ओर देखा, मानो नदी दो दीवारों के बीच बह रही हो। पुल से पानी काफी नीचे था, जो खड्ड की गहराई को जाहिर कर रहा था। पुल से धौलाधार की ऊंची पहाड़ियां भी दिखाई पड़ रही थीं, जो बर्फ से ढकी हुई थीं। नदी की गति के कारण कंकड़ पत्थर आपस में रगड़ खाकर छोटे हो रहे थे। साधारण ढाल पर काटने की शक्ति और कम हो जाती है, लेकिन ये काट छांट नदी के तल को गहरा करती है। कम ऊंचाई वाले पहाड़ों में ढलान कम होने की वजह से नदी के बहाव की गति कम होती है, इसीलिए घाटियों का आकार कुछ अलग होता है। कुछ कुछ अंग्रेजी के वी के आकार जैसा। घाटियां ऊपर से चौड़ी और नीचे से सकरी होती है और तल में पानी बहता है। जमुना किनारे आए जाना गम होवे, मेरो जोन सारा देख जाना गम होवे। जमुना किनारे आए जाना गम होवे। अब यमुना के दोनों ओर छोटी छोटी बस्तियां दिखाई देने लगी। ढाल के अनुसार घुमावदार सड़कें भी नजर आने लगी। भाई, पहाड़ों में ज्यादातर लोग ढलानों या घाटियों में रहते हैं। हिमालय में ज्यादातर बस्तियां दक्षिण पूर्वी ढलानों पर दिखाई दी, उत्तरी पश्चिमी भागों में बहुत कम। पेड़ पौधे खेती बाड़ी भी यहीं ज्यादा है। शायद दक्षिण पूर्वी भागों में सूर्य की किरणें देर तक रहती हैं। बरसात भी इन्हीं ढलानों पर अधिक होती है। अरे वो देखो, वो सीढ़ीनुमा खेत। सीढ़ीनुमा खेत। तेज ढाल पर सकरे और छोटे खेत थे, साधारण ढाल पर चौड़े व बड़े आकार के। अच्छा, जानते हो यहाँ धान मुख्य फसल है। धान? हाँ। यहाँ के लोगों का मुख्य भोजन है चावल, राजमा, अरहर। अरहर? अरे वाह, ये तो मुझे भी पसंद है। खेती के साथ लोग भेड़ बकरियां भी पालते हैं। अधिकतर बस्तियां पानी के स्रोत या झरनों के आसपास दिखाई देती हैं। पुराने मकानों में लकड़ी व पत्थर का प्रयोग ज्यादा किया जाता है। मकान के निचले भाग में पशुओं को रखा जाता है और ऊपरी भाग में खुद रहते हैं। अच्छा। मकानों की ऊंचाई मैदानी भागों के घरों से कम होती है। वो इसलिए क्योंकि छोटे मकान देर तक गर्म रहते हैं, सर्दी में आरामदायक। क्यों? बिल्कुल ठीक। पहाड़ों में औरतों को अधिक काम करते देखा।
हमने एक बड़ी अच्छी बात देखी। लड़के लड़कियां बड़ी संख्या में स्कूल जाते हैं। साक्षरता की दर यहां मैदानी भागों से अधिक है। यमुना के साथ चलते रहे, हमने देखा कहीं कहीं पहाड़ों के बीच मैदान भी हैं। चारों ओर पहाड़ हैं और बीच में मैदानी भाग। यहां धान की खेती अच्छी थी। भाई यहां गांव के लोगों की वेशभूषा कुछ भिन्न लगी। हाँ? अच्छा बात बताओ, ये कौन सा इलाका कहलाता है? इस इलाके का नाम है जॉन सार बाबर। जॉन सार बाबर? हाँ। सुबैया, जॉन सारी देहरादून के पश्चिमी ढलान दून घाटी से आते हैं। दून घाटी से? जॉन सार बाबर भी इसी का एक क्षेत्र है। अच्छा। यमुना के पूर्वी ओर पड़ता है। जॉन सारी लोग समाज शास्त्रियों के अध्ययन का बिंदु रहे हैं। हमने यहाँ कई गुफाएं देखी जिनमें सर्दियों में लोग रहते भी हैं। कुछ गुफाएं तो बहुत आकर्षक थीं, मानो प्रकृति ने खुद नक्काशी की हो। अब शिवालिक की पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। इनकी ऊंचाई धौलाधार की पहाड़ियों से कम है। यहां बर्फ सर्दियों में कभी कभी पड़ती है। पहाड़ियों के बीच से यमुना नदी बहती है। शिवालिक की पहाड़ियों में कई सुंदर स्थान हैं, जैसे शिमला, मसूरी, देहरादून और नैनीताल वगैरह। गर्मियों में बहुत से लोग यहां घूमने आते हैं। शिवालिक की ढलानों पर अब सेब की खेती होने लगी है। इसके परिणाम भी अच्छे हुए। अखरोट के पेड़ भी लगाए गए हैं। कहीं कहीं चाय के बागान हैं। यमुना के तट से सेब के बागों को भली भांति देख सकते हैं। फिर हम यमुना नदी के साथ साथ आगे बढ़े। डामटा नामक गांव के पास कलसी नदी यमुना में मिलती है। कलसी नदी शिमला के पास निकलती है। इसके किनारे पोंटा साहब गुरुद्वारा है। कलसी नदी के मिलने से यमुना में पानी और बढ़ जाता है। अब यमुना शिवालिक की पहाड़ियों से नीचे उतरने को आतुर है। मैदान में पहुंचने से पहले यमुना हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की सीमा बनाती है। हिमालय के विभिन्न पहाड़ों से होती हुई उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल से बहती हुई यमुना हरियाणा में पहुंचती है। यमुनोत्री से हरियाणा की सीमा तक का यमुना का सफर लगभग 300 किलोमीटर है। हरियाणा में यमुना नदी पर एक बैराज बनाया गया है। बैराज ताजेवाला नामक स्थान पर बनाया गया है। सुबैया फिर जुट गए जानकारी इकट्ठा करने में। उन्हें एक बुजुर्ग दिखाई दिए। जय हिंद ताऊ। जय हिंद। जय हिंद ताऊ। ये बराज तो बड़ा बढ़िया है। हाँ जी, अंग्रेजी सरकार के जमाने में बांध बनाया गया था। हाँ। बरसात में जमुना नदी में बहुत बाढ़ आ रही थी। अच्छा। गांव के गांव बह जाया करते थे। क्या, गांव के गांव? बरसात के बाद पानी की कमी हो जावे थी। बाढ़ को रोकने और खेती की सिंचाई के लिए जो बराज बनाया गया, इसके पूर्व में उत्तर प्रदेश और पश्चिम में हरियाणा से, और यहाँ एक नहर निकाली गई। अच्छा, फिर तो बहुत फर्क पड़ा होगा।
हाँ जी, खेती में बहुत सुधार हुआ से, किसानों की हालत में सुधार हुआ से, कच्चे मकानों की जगह पक्के मकान बन गए से। अच्छा? हाथ का काम मशीनों से होने लगा। अरे वाह। पैदावार में कई गुना बढ़ोतरी हुई से। सच में ताऊ, आपसे बातें करके तो बहुत मजा आया। अब मैं चलता हूँ ताऊ, मुझे आगे भी जाना है। जय हिंद ताऊ। जय हिंद। जय हिंद। ताजीवाला का बैराज एक सुंदर एवं रमणीक स्थान है। यमुना नदी पर बनावटी झील है। झील के पीछे लंबी चौड़ी घाटी है। घाटी के बीच से बहती है यमुना। दोनों ओर चौड़े पत्ते वाले पेड़ों के गहरे जंगल हैं। यहां सैकड़ों किस्म के पक्षी और जानवर रहते हैं। सामने सूर्य अस्त हो रहा था। पक्षी अपनी अपनी टोलियों में चहचहाते हुए पहाड़ों की ओर जा रहे थे। पहाड़ों से यहां अधिक गर्मी थी। दिन में काफी तपिश थी। रात होते होते झील के किनारे ठंडी ठंडी हवा चलने लगी। रास्ते में ढाबा दिखाई दिया। सोचा स्थानीय खाना मिले तो ठीक रहेगा। हाँ भाई, बहुत अच्छा रहेगा। ठीक है, तो यहीं रुकते हैं। हाँ आ जाओ। हाँ, ऐसा करें, यहीं बैठे। हाँ, तो हाँ जनाब, बताएं कि खाने में क्या है। अरे थानू की चाहिएगा, अब दसो। हमें तो कुछ यही कहा। हाँ कुछ यही कहा। हाँ तुसी सवर्ण करो, बैठो तो सही। मक्के दी रोटी ते साग चलेगा बादशाओ। खाने में स्वादिष्ट होगा ना। अरे साहब जी, बहुत स्वादिष्ट होगा, तुसी खा के तो देखो। ठीक है, फिर हम यही बैठते हैं। क्यों भैया? हाँ बिल्कुल, ठीक है। मक्के दी रोटी नाल मखनी दाल दही साग चलेगा। अरे भाई दौड़ेगा दौड़ेगा, हम तो यही तलाश कर रहे थे। बहुत तेज भूख लगी है मुझे तो। हाँ ऐसा करें, यही बैठे। ढाबे पर हमने मक्का की रोटी, मक्खनी दाल, दही और साग पेट भरकर खाया। बाबूजी, खाने विच मजा आया ना। बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। तुसी साडे ढाबे नू हमेशा याद रखोगे। बाबूजी एक गल साडी और मन्नो। बोलो। तुसी एक गिलास गरम दूध दा पियो। दूध? सच्ची कहना है, चंगी नींद आएगी। क्या कहते हैं? क्यों सुबैया, पी लिया जाए? चल ठीक है, पीते। तो ले आओ फिर दूध पी के भी देखते हैं। ले आइए। हेलो जी, हुडी मंगाने हैं जी। हेलो, दूध पियो। हमने ऐसा ही किया। खाना खाने के बाद टहले। अब मौसम ठंडा हो गया था, हवा चल रही थी। दिन भर देखे प्रकृति के खूबसूरत दृश्यों को आंखों में समाये हम होटल में लौट आए। यमुना भाग दो। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम। विषय संयोजन तथा आलेख अख्तर हुसैन, विषय परामर्श डॉक्टर माधवी कुमार, कलाकार नीरज शर्मा, प्रवीण शर्मा, शांति एस काजरा और ओपी राय। आभार एस बिष्ट। तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े। ध्वन्यांकन दीपक पांडे। निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति अजीत होरो।